Hi, long time no see. This is Manisha Jain and welcome to my YouTube channel. And I'm really excited for this video because in this video, I'm going to review my latest read, and that is the highly rated novel on Amazon and Goodreads, and that is The Perfect Marriage by Jeneva Rose. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइटल पे मत जाना. अगर आपको इसके टाइटल से सोच के पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, बहुत ही गुची पुची होने वाली है नॉवल और स्टोरी, सो टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है. एंड या वन मोर थिंग, माय पर्सनल ओपिनियन, अगर इस स्टोरी को हम कन्वर्ट कर दें, इस नॉवल को हम कन्वर्ट कर दें सीरीज या मूवी में, आई एम प्रीटी श्योर उस पर ज़्यादा रेटिंग्स आएगी, उस पर ज़्यादा व्यूज आएगी एज कम्पेयर टू दिस नॉवल. कि जिस तरह से स्टोरी को पिक्चराइज करा गया है, स्टोरी को दिखाया गया है, उसको देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा. सो येस, एज आई सेड, इसके टाइटल पर मत जाना. परफेक्ट मैरिज कोई लव रोमांस वाली नॉवल नहीं है, ये एक सस्पेंस और थ्रिलर बुक है. इसमें आपको सब कुछ मिलेगा. इस स्टोरी में एक मिस्ट्री सॉल्व करी जा रही है एंड उस मिस्ट्री का नाम है कि आखिर मर्डर करा तो करा किसने. बेसिकली ये स्टोरी है एडम और सारा की. एडम ऑथर है और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं है. उसका करियर अप एंड डाउन होता रहता है क्योंकि कभी बुक्स की सेल अच्छी होती है, कोई बुक चलती है, कोई बुक नहीं चलती है. इस वजह से उसका करियर अप एंड डाउन होता रहता है. वहीं दूसरी तरफ जो है सारा, वो फेमस लॉयर है पूरी सिटी में, बहुत ही स्ट्रांग है फाइनेंशियली और अपने काम की वजह से उसे मोस्ट ऑफ द टाइम अपना टाइम ऑफिस में बिताना पड़ता है और अपनी फुल अटेंशन वो अपने हस्बैंड को नहीं दे पाती, अपने घर को नहीं दे पाती, अपना टाइम नहीं दे पाती है. और इसी चीज़ को उसका हस्बैंड एडम मिस करता है और बहक जाता है या फिर इसी चीज़ का फायदा उठाता है. आई वुड से वो इस चीज का फायदा उठाता है. स्टेड ऑफ डिस्कसिंग दिस इशू विद हिज पार्टनर, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट कर देता है. सारा को तब नहीं पता होता है कि उसका हस्बैंड किसी और को डेट कर रहा है जब तक उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया है उसी के लेक हाउस में. सो लेक हाउस इज बेसिकली सारा ने एडम को गिफ्ट करा था कि वो अपना टाइम वहाँ पे जाके डिवोट करे, वहाँ पे शांति से बैठ के सोचे और अपने नॉवेल्स पे, अपने मास्टरपीसेस पे काम करे जिससे उसका करियर ग्रो करे. एंड वो उसको बहुत प्यार करती थी, वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट और केयर करती थी, इसलिए वो अपने लेवल पे जो बेस्ट हो सकता था अपने हस्बैंड के लिए वो करने की कोशिश करती थी. बट ऑन दी अदर हैंड एडम के माइंड में कुछ और ही चल रहा था. वो अफेक्शन, लव, केयर जो वो चाहता था फिजिकली, वो सारा से नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क पे रहती थी. सो इसलिए वो थोड़ा बहक गया. सो या दिस इज अ मिस्ट्री जो कि पूरी नॉवल में चलती रहती कि आखिर मर्डर करा तो करा किसने. और इस मिस्ट्री को सॉल्व करती है एडम की वाइफ सारा. सारा ही केस लेती है अपने हस्बैंड का, वो डिसाइड करती है कि वही केस लड़ेगी अपने हस्बैंड का और अपने हस्बैंड को बचाएगी. सो ये स्टोरी पूरी उसी सीन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है और कोशिश करते हैं कि सस्पेक्ट मिल जाए क्योंकि उसका हस्बैंड अभी सस्पेक्ट पर है क्योंकि जिस दिन उसके गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ होता है उस से एक रात पहले एडम और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों साथ में होते हैं. सो और उसी के घर में हुआ होता है तो पूरा का पूरा शक एडम के ऊपर होता है. इसलिए सारा डिसाइड करती है कि वही अपने हस्बैंड का केस लड़ेगी. हिस्ट्री पूरी स्टोरी में चलता रहता है और बिल्कुल एंड में जाके स्टोरी के आपको पता चलता है कि ये मर्डर किसने करा था और क्यों करा था. आई वुड नॉट रिवील दैट किसने करा था और क्यों करा था. वही एक मेजर ट्विस्ट है, वही एक मस्त चीज है इस नॉवल में जो पढ़ने में बहुत मजा आएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी. एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि थ्रू आउट द नॉवल आपको मेजर टर्न्स मिलेंगे, ट्विस्ट मिलेंगे, सो ऐसा कुछ नहीं होगा. जो भी मेजर ट्विस्ट आएगा और या जो भी बिग रिवील होगा ना, वो नॉवल के एंड में ही होगा. बट जैसे जैसे आप स्टोरी के साथ मूव करोगे ना, समवेयर इन योर माइंड आपको पता होता है कि मर्डर किसने करा है, बट आपको वो क्लैरिटी नहीं होती है कि क्यों करा है. और वो आपको वो श्योरिटी चाहिए होती है कि येस आई वॉज राइट, आई न्यू इट, यही था. तो वो श्योरिटी आपको बिल्कुल एंड में जाके ही मिलेगी. बट सरप्राइजिंगली जो रीजन वो मिलता है ना आपको एंड में जाके कि उसने ऐसा क्यों करा, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग होता है. एंड वो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा. अगर आप उस फील्ड में हो, लॉयर वाली फील्ड में, तो शायद आपको पता होगा. बट अगर आप नॉर्मल हो, लाइक उस प्रोफेशन से नहीं हो, तो आपके लिए वो थोड़ा सा गैस करना डिफिकल्ट होगा. एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड by that reason कि उसने ऐसा क्यों करा. And one more thing I really liked about this story is कि जो भी author ने scenes को describe कर रखा है, frame कर रखा है basically, वो बहुत ही beautifully कर रखा है. You can picturize each and every scene कि क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, क्या चल रहा है, कौन कैसे बातें कर रहा है, किस तरह से एक्शन हो रहा है, किस तरह से लड़ाई हो रही है, किस तरह से
कौन कहाँ पे बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहा है, किस तरह से इंट्रोगेशन हो रही है, एवरीथिंग यू कैन पिक्चराइज एवरीथिंग. एंड आई रियली बिलीव अगर आप किसी ऑथर का वर्क ऐसे पिक्चराइज कर सकते हो, किसी से स्टोरी को फुल्ली पिक्चराइज कर सकते हो जिस तरह से ऑथर ने डिस्क्राइब कर रखा होता है, तो ऑथर की आधी मेहनत वहीं सफल हो जाती है. एंड आई रियली बिलीव जेनेवा रॉस ने बहुत ही ब्यूटीफुली करा है, बहुत ही मजा आया था. एंड दैट इज वाई आई सेड कि अगर इसको कन्वर्ट करा जाए मूवी या सीरीज में, सो आई एम प्रीटी श्योर वो बहुत ही हिट होने वाली है, क्योंकि नॉवल पढ़ते हुए इतना मजा आ रहा था तो वो देखने में सीन्स को एक्शन को और मजा आएगा. सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, आई वुड रेट दिस बुक 3.5 आउट ऑफ 5. इफ यू हैव रेड दिस बुक डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर ऐसे ही हाईली रेटेड नॉवल्स है, बुक्स है आपके लिस्ट में, तो मुझे भी बताओ, मैं उनको पढ़ूंगी और रिव्यू करूंगी आपके लिए. एंड यस, दैट इज ऑल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन प्लीज टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय.